ओम शांति, ओम शांति। अब हमारा संसार में ज्यादा सोते जा रहे हैं और इस साधना में देखो साइंटिस्ट होते हैं सारा दिन, उनको भूख नहीं, नींद नहीं, कुछ भी नहीं, एक बार रिसर्च में बैठते हैं दिन रात बैठे रहते हैं जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हुआ। बाबा के पास भी कई कई बहने बच्चे, बाबा के बच्चे हैं, एक हफ्ता तपस्या, एक हफ्ते तक तपस्या में बैठे, सिर्फ थोड़ा सा खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, एक दिन करते सवेरे से रात तक, तो कोई प्राप्ति के लिए कुछ शांत किया बिना कुछ किए किसी को कुछ नहीं। देखो दो भाई थे, दो भाई ने पतंग उड़ाते थे, पतंग उड़ाते उड़ाते साइकिल कैसे चलाना ऐसे प्लेन तक चलाया, दोनों भाइयों ने मेहनत करके। ये प्लेन किसने बनाया? अपने आप ऊपर से नहीं आया, पहले पतंग उड़ाते थे, पतंग के बाद साइकिल, साइकिल से प्लेन कैसे बनाया? तो हम भी पहले यहां ऐसे बैठते थे चुपचाप, भजन करते थे, पूजन करते थे, अब ये ज्ञान मिला, यहां बैठ के ऐसे चिंतन करो, मन बुद्धि को वहां एकाग्र, उस शक्ति से जो बाबा ने आज कल इन तीनों को परिवर्तन कर सकते हो। विधि चाहिए और करने वाला व्यक्ति चाहिए। हम चाहते हैं हमारा एक लक्ष्य हुआ, अभी भी हमारा जीवन समय स्थूल चीजों में जा रहा है, तो ये सूक्ष्म प्राप्ति में ध्यान नहीं देता क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। 10 करोड़ रुपए दिखाई देता है लेकिन जाते समय 10 करोड़ रुपए आप लेके नहीं जा सकते, वो इतनी मेहनत करके जो कमाया वो सब कुछ यहां छोड़ के जाना है। लेकिन कोई कह रहा था कि कल्याणपुर वाले भाई बहन जाते समय लेके जाएंगे, ले जाएंगे कल्याणपुर में जो रहते हैं वो जाते समय धन संपत्ति सब लेके जाएंगे, हाँ ले जाएंगे ऐसे कह रहा था, कोई नहीं ले जाते। ले जाने वाले तो बताओ, मेरे पास भी 10 करोड़ है, मैं देता हूं सत्य में मुझे दे देना। ले जाने वाले हो कोई? हाँ कल्याणपुर में ले जाने वाले क्या देवी जगह, तो सब प्रकाश भाई करते वो इधर चाहते थे, वो सब लेके जाएंगे। माताओं के पास सोना है, मकान है, पैसे है, जाते समय ले जाएंगे, माता जी ले जाएंगे ना, नहीं ले जाएंगे तो क्या करेंगे, क्या करेंगे आप सोच लो, जाते समय आपके साथ क्या जाएगा। तब आज एक टॉपिक रखा कि अगर अपना भाग्य बना के जाओ, जो आज कमाई का बीज बोएंगे उसका फल कल्प वृक्ष कहते हैं, आज एक ऐसा बीज बोलो तो वो आपको कल्प वृक्ष 100 साल तक फल देगा, सारे कल्प में आपको फल मिलेगा, ऐसा अभी बीज बोलो। एक जन्म के लिए नहीं, बाबा गारंटी देता 21 जन्मों के लिए मिलेगा, गारंटी है, लेकिन उसके बाद भी सारे कल्प के लिए आपको फल मिलेगा। तो वो बताओ कौन सा बीज बोएंगे आप जो सारे कल्प में आपको चाहिए, कौन बताएगा? सारे कल्प में आपको कुछ मिलना चाहिए तो ऐसा अभी बीज बोलो, तो क्या चाहिए आपको सारे कल्प में? दाल रोटी सब्जी और नहीं, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस तीन चाहिए ना, निरोगी काया जो शरीर को बीमारी नहीं होनी चाहिए, ये चाहते ना, धन संपत्ति से भरपूर होना चाहिए, मन सदा हर्षित होना चाहिए। तो बाबा भी वही वर्षा देने आया, वही विधि बताता है, बच्चे तन निरोगी चाहिए अपने आप नहीं, रोटी चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, ऊपर से आप भेजेगा शिव बाबा कोई देगा? आपको बोना है खेती में, चावल दाल चाहिए तो चावल का दाना एक डालो 50-100 दाना लगेंगे, दाल चाहिए तो दाल का भी बीज बोना पड़ेगा, सब्जी चाहिए सब्जी भी बोनी पड़ेगी, नहीं तो मांगना जाना पड़ेगा। तो मांगना चाहते कि बोना चाहते, तो ऐसे भी तीनों प्रकार के ये कर्म, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस,